नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने घर पर होंगे और अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे यहां पर बात करने वाला हूं, अगर आपने यहां पर अपना अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर ओपन कराया है एंड अकाउंट ओपन कराने के बाद आपको यहां पर अभी तक भी अपनी पासबुक को प्रिंट करने का प्रोसेस नहीं पता है। सो आज की ये वीडियो आप सभी भाइयों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर सिखाने वाला हूँ कि BOB अकाउंट की पासबुक आपको यहाँ पर फर्स्ट टाइम प्रिंट किस तरह से करनी है एंड आप अपनी BOB की पासबुक में एंट्री किस तरह से कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, जब भी आप अपना नया अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर ओपन कराते हैं तो वहां पर आपको जो बैंक के एम्प्लॉय होते हैं, जब वो आपको पासबुक देते हैं तो वो आपको यहां पर ब्लैंक पासबुक आपको दे देते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक प्रिंटिंग मशीन में जाकर अपनी पासबुक को खुद से यहाँ पर प्रिंट करना होता है, तभी आप उस अपनी पासबुक में रेगुलर बेसिस पे एंट्री कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर सिखाने वाला हूँ BOB पासबुक में आप एंट्री किस तरह कर सकते हैं एंड अपनी पासबुक का फर्स्ट पेज आप प्रिंट किस तरह से कर सकते हैं। सो दोस्तों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर आपके लिए बैंक से जुड़ी वीडियो एंड सरकारी योजना जुड़ी वीडियो लाता रहता हूं। अब दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो मैंने अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट कर दिया है जिसका नाम है नमन अर्निंग गुरुजी। उस यूट्यूब चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाके आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड वहीं पर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मिल जाएगी, जहां पर मैं आपको लेटेस्ट अपडेट एंड ट्रिक प्रोवाइड कराता हूं। दोस्तों, अब हम यहां पर सीख लेते हैं कि BOB पासबुक हम किस तरह से प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मेन वीडियो पर चलते हैं। तो आपको यहाँ पर बैंक के एम्प्लॉय पासबुक को रजिस्टर करके आपको देते हैं, तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक प्रिंटिंग मशीन पर आना है एंड पासबुक का फर्स्ट पेज आपको ओपन करना है। एंड पासबुक के फर्स्ट पेज को प्रिंट करने के लिए आपको इस पासबुक को ओपन करके ऑटोमेटिक प्रिंटिंग मशीन में इस तरह से आपको लगा देना है, जिस तरह से आपको स्क्रीन पर दिख रहा है आपको इस एंगल में प्रिंटिंग मशीन के अंदर इस पासबुक को लगा देना है। तो यहाँ पर हमारी पासबुक का जो फ्रंट पेज है वो प्रिंट होना स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पर हमें कुछ मिनट की वेट करना होगा। यहाँ पर दोस्तों, 1 से 2 मिनट के अंदर हमारी पासबुक का फर्स्ट पेज जो है वो यहाँ पर प्रिंट होकर हमें मिल जाएगा। तो जब तक हमारी पासबुक का यहाँ पर प्रिंटिंग चलती है तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख जाता है सर्वर से संपर्क स्थापित हो रहा है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। एंड यहाँ पर दोस्तों, BOB की जो पासबुक मशीन होती है, इसकी एक यहाँ पर स्पेशल बात होती है कि जब इसमें आप अपना फर्स्ट पेज यहाँ पर प्रिंट करते हैं तो यहाँ पर आपको पेज बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये मशीन ऑटोमेटिकली आपके पेज को यहाँ पर बदल लेती है एंड अगर आपकी पासबुक में किसी प्रकार की कोई एंट्री होनी है तो वो एंट्री भी यहाँ पर आपको होकर मिल जाती है। जैसे कि मेरा यहाँ पर ये जो पहला पेज था वो यहाँ पर प्रिंट हो रहा था, तो उस पेज के साथ साथ मैंने जो अपने अकाउंट में ट्रांजेक्शन किए हैं उनकी एंट्री भी मुझे यहाँ पर मेरी पासबुक में होकर मिल जाएगी। मुझे यहाँ पर पेज को बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेरी पासबुक का फर्स्ट पेज यहाँ पर प्रिंट हो चुका है एंड जो मेरे पासबुक में जो मैंने एंट्री की है, यानी कि मैंने अपने अकाउंट में जो एंट्री की है, वो एंट्री यहां पर मेरे पासबुक में प्रिंट होनी स्टार्ट हो चुकी है एंड जो मैंने यहां पर अपने ट्रांजैक्शन किए हैं उन सब का रिकॉर्ड हमारी पासबुक में आ जाएगा हमारी एंट्री में। सो BOB अकाउंट में पासबुक प्रिंट करने का सबसे आसान तरीका मैं आज आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूं। सो यहां पर आप जैसे कि देख सकते हैं, हमारी पासबुक का यहां पर जो प्रिंट होने का प्रोसेस था वो यहां पर लगातार चल रहा है। इस प्रोसेस में दोस्तों 1 से 2 मिनट, ये डिपेंड करेगा कि आपकी पासबुक में कितनी एंट्री होनी है, उस एंट्री के अकॉर्डिंग आपकी पासबुक यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। सो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारी यहाँ पर काफ़ी सारी एंट्री थी जो यहाँ पर हमारी पासबुक में होनी थी। अब यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, प्रिंटिंग ऑन पेज 2, यानी कि हमारी पासबुक का सेकंड पेज प्रिंट होना स्टार्ट हो चुका है, हमने पासबुक को यहां पर नहीं निकाला है। आप यहां पर देख सकते हैं हमारी पासबुक की एंट्री कंप्लीट हो चुकी है एंड हमारी एंट्री हमारी पासबुक में शो हो चुकी है। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपने सीख लिया है कि आप यहां पर BOB की पासबुक का फर्स्ट पेज एंड पासबुक में एंट्री किस तरह से कर सकते हैं। यहां पर हमारी सारी एंट्री हो चुकी है जैसे कि आपने स्क्रीन पर देख लिया है। सो अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। Okay.